Namaskar, we are at the US India Community Foundation's event right here in Washington DC. A huge community reception is being done in honor of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who will also be inaugurating one of his books called India Calling. It's a momentous occasion. Over 700 people have gathered here and they are celebrating the achievements that happened yesterday as a meeting of President Joe Biden and Prime Minister Narendra Modi. Let's take a look at some of the good achievements, some of the primary achievements. The first and the foremost is the opening of US Consulate in Bangalore and Ahmedabad. This is a great sanction. On the immigration front, there is another one, which is in-country H-1B visa renewal. Applied Materials, $400 million engineering center in Bangalore, which is a great investment by Applied Materials. We are looking forward to that in India. Micron chip, unit worth $825 million. Again, a big one. Hindustan Aeronautics Limited and GE Aerospace Pact to produce GE F414 jet engines in India. Joining Artemis Accords to return man to moon. A great space move for Indian citizens or Indian people to be there in the space. 31 MQ-9B top class drones for armed forces. So that's a big number, 31 drones. I think it's 8 for the Indian Army, 8 for Indian Air Force, and 15 for the Indian Navy, totaling to some around $3 billion. That's a great move, and it will definitely help in protection of India's border with China. The next one is IBC's $800 million Devanahalli battery plant. So, and these are some of the great moves from yesterday's meeting. There are many more. I'm sure you are proud, and we are looking forward to PM Modi's speech today at this beautiful event at the community reception and dinner. Let's give you some more insights into this event. भारत में गूगल्स का AI रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा. इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है. और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी. इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी. कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक
उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मोदी जी के बारे में बहुत ही सुंदर एक पुस्तक चांदमल कुमावत जी ने छापी है एंड ही इज हेयर विद अस ऑल द वे फ्रॉम जयपुर। जी हाँ, जयपुर से वॉशिंगटन डीसी की यात्रा, ही इज फॉलोइंग मोदी जी एंड द बुक ही हैज़ रिटन इंडिया कॉलिंग इज ऑल्सो ऑन अ रिलेटेड सब्जेक्ट। इन 124 कंट्रीज वेयर मोदी जी हैज ट्रैवल्ड इन लास्ट डेकेड व्हेन ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, हिज विजिट्स हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनमी एंड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, द कोलैबोरेशंस वर अचीव्ड। सो देर वॉज अ लॉट डन थ्रू हिज विजिट्स। दिस विजिट इटसेल्फ इज वेरी फ्रूटफुल, यू नो, द वॉशिंगटन स्टेट डिनर दैट एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड in history of India for the very second time only. So it's a matter of pride for all Indian Americans out here. सारे ही भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इंडिया कॉलिंग जो आपकी पुस्तक है, ये आपने कब पब्लिश की और कैसे आपको ये आइडिया आया? ये मैंने मोदी साहब के स्टेट विजिट के लिए स्पेशल तौर पर तैयार की। इसका लास्ट एडिशन स्वयं मोदी साहब ने 2016 में निकाला था और इसमें हमने मोदी साहब के 9 साल की उपलब्धियां और 9 साल की 124 विदेश यात्राओं पर 600 पेज में संकलित किया गया है। यो इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हमारा शुभकामनाएं। तो बहुत ही अच्छा समारोह ये चल रहा है। यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा ये एक विशेष कम्युनिटी रिसेप्शन जो है मोदी जी के लिए यहाँ वॉशिंगटन डीसी में रखा गया है। टुडे इज 23rd of June एंड दी Indian American diaspora has gathered in large numbers to welcome Modi ji. Modi ji is going to arrive here shortly and he will deliver a short speech. He will address his countrymen, the people of Indian origin. To bahut hi ek jo vishesh mahol yahan pe bana hua hai, to aap kya kehna chahenge? Ye har ek bhartiya ke liye garv ka samay hai ki America ke state dinner pe किसी भारतीय का जाना और जो गर्मजोशी से उसका स्वागत और इस्तकबाल करना, ये सिर्फ मोदी जी को नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उसके लिए हम मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत को आज इस ऊंचाइयों पर ले गए। उसके लिए आप और सभी भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये जो पुस्तक आपने लिखी है ये हिंदी में है? इंग्लिश में। दिस बुक इज इन इंग्लिश? यस। इंडिया कॉलिंग। तो क्या मीनिंग, क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी साहब ने जो 9 वर्षों में अपने सुशासन से जो उपलब्धियां की है और जो 124 देशों की यात्रा की है और उससे जो भारत को जो लाभ मिला है, उसके लिए हमने विशेष प्रकाशन तैयार किया। तो मुख्य तौर पे कौन कौन सी कंट्रीज पे प्रकाश डाला गया है कि जहाँ जहाँ उनकी विजिट जो थी वो कुछ ज़्यादा फलदायक रही? All visits of Modi ji fruitful to the India in various manner, in social, economical and overall development to the India. It is a diaspora development of Modi ji in last 9 years. तो अभी तक ये बुक कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो चुकी है और किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिला है? ये बुक आज रिलीज होनी है और सबसे पहले कॉपी मोदी साहब को दी जानी है और जितने भी आज यहाँ भारतीय आए हुए हैं इस रीगन सेंटर में, उन सबको ये कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बहुत बहुत मुबारक आपको इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए और आज इस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है स्वयं मोदी जी के कर कमलों से। तो बहुत ही शुभ अवसर है, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को, सभी भारतीयों को, कि ईश्वर करे कि ऐसा दिन हर एक समय आए। धन्यवाद।
मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया को फिर से बेहतर बनाने के लिए है। आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट्स में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। ₹140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास। नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर
मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। मैं इस यात्रा के दौरान माइक्रोन, गूगल, अप्लाइड मटेरियल जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। माइक्रोन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। अप्लाइड मटेरियल्स द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। भारत अमेरिका ने जो आर्टिमिस एकॉर्ड साइन किया है वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रोग्राम से भारत जुड़ेगा तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। ने के लिए नासा द्वारा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है।
आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों टीयर टू टीयर थ्री शहरों में लिखी जा रही है, छोटे छोटे शहरों में। संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे, वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई ना कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट, भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या। ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। आपकी सहूलियत, ये भी भारत की प्राथमिकता है। आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया।
आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे IT प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। आग्रह है कि आप भारत के MSMEs और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। आई जस्टलीन खनुजा वुड लाइक टू टेक योर लीव फ्रॉम द रोनल्ड रीगन सेंटर राइट हियर इन वॉशिंगटन DC। टिल नेक्स्ट टाइम कीप सपोर्टिंग इंडिया, कीप सपोर्टिंग द इंडो US टाइज। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इंडिया। Namaskar and take very good care of yourselves. Bye-bye.